हेलो दोस्तों, पीसीएम इक्वेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग लाइव हैं और यहाँ पर हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए बउआ, यहाँ देखो ये यह है, यहाँ क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ देखिए क्लास ट्वेल्थ के लिए है और इसमें ये आपका जो है ना, ये पाँचवा पार्ट आपका होने वाला है। मतलब 1, 2, 3 और 4 चार पार्ट इसमें आपको डिस्कस कर दिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और नहीं दोस्तों के साथ शेयर करें, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिए, है ना, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो थोड़ा सा पढ़ाने हम लोग को अच्छा लगता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ निश्चित ही इसको शेयर कीजिए। अच्छा, आज का जो सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं वो विभव के बारे में है, विद्युतीय विभव और विद्युतीय स्थिति ऊर्जा एक चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं, विद्युतीय विभव और विद्युतीय स्थिति ऊर्जा। यदि आप टॉपिक लिखना चाहते हैं, आपको पहले ही बोले हैं कि पेन पेपर लेके आपको बैठना है, तो पेन पेपर यदि आप लेके बैठे हैं तो जल्दी से एक टॉपिक आप बना लीजिए, ऊपर में एक टॉपिक बना लीजिए, विद्युतीय विभव एवं विद्युतीय स्थिति ऊर्जा। और यहां देखिए बउआ, ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बेसिक वाले में से दिए हैं, एकदम बेसिक वाले में से है बउआ। इसको पढ़ो पहले आराम से और जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, तो सबका आंसर देख रहे हैं, जल्दी से आप सब लोग इसका आंसर कमेंट करेगा। पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देखिए कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर क्वेश्चन देखिए, आंसर जल्दी से कमेंट करो। चलिए यहां देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। कहा गया है इकाई धन आवेश, यहां लिखा गया है इकाई धन आवेश, और इकाई धन आवेश आपको पता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये होता है, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहे थे, परीक्षण आवेश कहे थे, आपको याद होगा। नहीं, इकाई धन आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं, अगर नहीं जानते हो तो इस बात को ध्यान रखो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सेड टू बी टेस्ट चार्ज, इकाई जो धन आवेश होता है बउआ इसको परीक्षण आवेश कहते हैं। बोला गया है इकाई धन आवेश को कहां से बउआ, तो अनंत से उठाकर, देखिए अनंत से उठाना और विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, है ना, क्या कहा गया है कि इकाई धनावेश को आपको कहां से उठाना है, तो इकाई धनावेश को आप अनंत से उठाइए। इकाई धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप कहां से उठाइएगा, तो सर इसको अनंत से उठाना है। चलिए पहले यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, एक इकाई धनावेश को अनंत से आपको उठाना है, थोड़ा सा ध्यान यहां पर दीजिएगा, यहां सिचुएशन क्या है, इकाई धनावेश है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और अनंत, ये तो बाहर वाला क्षेत्र अनंत होता है, आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं, आपको पता है। तो यहां देखिए इकाई धनावेश को अनंत से उठाकर विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई धनावेश को अनंत से उठाकर विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, है ना, में किया गया कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑप्शन दिया गया विद्युतीय विभव, इसको हम लोग कहेंगे या विद्युतीय विभव कहलाता है, विद्युतीय स्थिति ऊर्जा होगा, है ना, विद्युत धारा होगा या विद्युतीय फ्लक्स होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, और बहुत सारे लोगों का देखिए कमेंट देख रहे हैं, वो कमेंट देख रहे हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, जिसका विद्युतीय विभव आ रहा सभी लोग सही हो। आपको पता है कि विद्युतीय विभव क्या होता है, तो इकाई धन, है ना, इकाई धन आवेश को अनंत से उठाकर विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। परिभाषा में तो आपको दिया है, तो इसमें क्या आपको परेशानी है, ये क्लियर हो गया सबको बउआ, परिभाषा सिंपल तौर पर केवल परिभाषा आपको दिया है, तो परिभाषा आप इसमें, है ना, बता सकते हैं, कोई विशेष नहीं था। तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया बउआ, जल्दी से बताओ, तो ओवरऑल वाले कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया विद्युतीय विभव, इकाई धन आवेश को अनंत से उठा के विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए बोला है, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए बोला है, लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, विद्युतीय विभव कहेंगे। इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, डिफिनेशन दिया था। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और बउआ सेकेंड क्वेश्चन में देखो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में आप समझ लीजिए, या पहले आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से आप इसको देख लीजिए पहले, और रियली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, मजाक नहीं कर रहे हैं, वास्तव में क्वेश्चन आपके लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो तरीका से पूछता है, दोनों क्वेश्चन इसमें आपको दिए हैं, एक क्वेश्चन तो आपका यहां, दूसरा क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा।
क्वेश्चन में पहले पढ़िए क्या कहा गया है। कहा गया है एक जूल प्रति कूलम, वन जूल प्रति कूलम आपको दिया है, एक जूल प्रति कूलम है ना, तो एक जूल प्रति कूलम बराबर यहाँ छूट गया बराबर। अब एक जूल प्रति है ना, एक जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, चार गो ऑप्शन दिया है। चलिए एक वोल्ट यहाँ आपको पढ़ देते हैं, एक वोल्ट है, एक एम्पियर है, एक कूलम है और एक ओम होता है। चलिए जल्दी से बताइए तो एक जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है बुआ, जल्दी से एक जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है ना, किसके बराबर है जल्दी से बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से इसको जरा कमेंट करो आंसर क्या रहेगा, एक जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, एक जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। चलिए सबका आंसर हो गया है, आंसर सब लोग कर दिए हो, आंसर सबका हो गया है बुआ। हाँ तो जिसका जिसका भी बोल्ट आ रहा है सभी लोग सही हो, जिसका जिसका भी आंसर बोल्ट आ रहा है बुआ सभी लोग सही। क्यों सर एक बात बताओ, भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना, भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, सुना है भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। एक बात बताइए डब्ल्यू यहाँ क्या है, कार्य है सर, डब्ल्यू क्या होता है, कार्य होता है चाहे ऊर्जा होता है, इसको कार्य बोलते हैं चाहे ऊर्जा बोलते हैं, ध्यान रखना डब्ल्यू क्या है, कार्य है, नहीं तो एकरे बोलते हैं हम लोग ऊर्जा, चाहे तो कार्य बोलते हैं चाहे तो इसको बोलते हैं क्या बोलूंगा ऊर्जा कहते हैं। अब क्यू क्या है, आवेश। अब ये एक बार बताइए कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ये तो जूल हो गया, आवेश का कूलम होता है जूल प्रति कूलम, भी भी जो होता है विभव या विभवांतर है इसका होता है वोल्ट, क्या होता है बोलूंगा वोल्ट होता है। तो बताइए जूल प्रति कूलम किसके बराबर आया, वोल्ट के बराबर ना आ गया है, जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर आया है। तो एक बार बताइए जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा, जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर होता है, तब इसको दिमाग में सेट कर लो। और इस दोनों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये आपको हम लिख के देते हैं बोलूंगा 2023 के एग्जाम में निश्चित आने वाला है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको क्या बताएं, आप कुछ बतावे की जरूरत नहीं है, आराम से इसको पहले देखो और इसको अगर ना समझ में आए तभी इसको रट जाना है, लेकिन यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं ये क्या है, तो निश्चित समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसको आप याद कर जाए, देखिए डायरेक्ट है ना, देखिए डायरेक्ट आंसर पहले आप इसको है ना बना के देखो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा गया, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लिख लो कॉपी में, अगर आज के वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन में से रह हुआ तो ये आपका है। चलिए जल्दी से बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, किसका मात्रक रहेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया ऊर्जा का मात्रक होता है, यहाँ दिया देख लीजिए ऊर्जा का मात्रक होता है कि आवेश का मात्रक होता है कि विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ध्यान रखना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम इसको याद कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना है जो ऊर्जा का मात्रक होता है। क्यों सर, क्योंकि भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू अभी आपको बता रहे थे, ध्यान देना भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। अच्छा भी जो है बुआ इसका तो वोल्ट होता है, इसका तो वोल्ट होता है, क्यू कूलम्ब आवेश जो है ये इलेक्ट्रॉन आवेश, इलेक्ट्रॉन पे भी तो आवेश होता ही है, तो यहाँ पर बुआ इसको अगर हम लोग चार्ज के स्थान पर, अगर इस वाले चार्ज के स्थान पर थोड़ा सा ध्यान देना, इस वाले चार्ज के स्थान पर क्यू ना लिख के अगर इसके स्थान पर अगर हम लोग इलेक्ट्रोनोमा को लिख देते हैं क्या आपको तकलीफ है, ये भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम लोग बताइए अगर चार्ज के स्थान पर ई को लिखते हैं, ई के पास भी तो चार्ज होता है, तो क्या दिक्कत है, अगर इसको तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं तो देखिए तो तिरछा तिरछे गुना करें तो ई भी आ जाएगा, ई भी मतलब कौन सी हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताइए ई भी यहाँ पर अगर इसको तिरछा तिरछे हम लोग गुना करते हैं बुआ, तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं तो ई इंटू भी नहीं हो जाएगा बराबर डब्ल्यू, और डब्ल्यू को कार्य या ऊर्जा बोलते हैं, अभी आपको पीछे बता रहे थे, इसमें कहीं आपको कार्य ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा ऊर्जा। समझ में आया है, समझ में आ गया है बुआ, ये क्लियर हो गया सबको, फिर से एक बार देख लो, एक बार फिर से देखो चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो बार समझो इसको, पहले दो बार आराम से इसको समझ लीजिए पहले। चलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक बात बताओ ना भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू जानते हो, क्यू मतलब आवेश और इलेक्ट्रॉन के पास भी आवेश ही होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन रख दिया ताकि ई भी निकले, गुना करके भी निकले, तो चलिए अगर इसको गुना करते हैं तो आता है ई भी बराबर डब्ल्यू, ई भी बराबर डब्ल्यू, तो ई भी किसके बराबर है डब्ल्यू के बराबर, और डब्ल्यू का के नाम दिए हैं बुआ, तो सर दो नाम दिए थे, एक दिए थे कार्य जो आपको ऑप्शन में दिया नहीं है छोड़ देंगे, एक नाम दिए थे ऊर्जा जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है और हमेशा यही ऊर्जा ही आपको दिया रहता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक हुआ ऊर्जा का मात्रक हुआ। क्लियर हो गया आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए अगर ये हो गया है तो अगला क्वेश्चन, चलो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सब जवाब देगा बुआ, जल्दी से इसका जवाब दीजिए तो क्या रहेगा,
यहां पर क्वेश्चन दिया गया चार नंबर क्वेश्चन, बिंदुवत आवेश Q के कारण, पहले अपने से पढ़ो इस क्वेश्चन को, खुद से जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, अपने से पढ़ेगा इस क्वेश्चन को, पढ़िए पहले क्या दिया गया है। चलिए जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो तो क्या दिया गया है। ये कहा गया है बिंदुवत आवेश Q के कारण, है ना, बिंदुवत आवेश आपको क्या दिया है यहां पर, Q दिया है, वो दिल के चित्र नहीं बनाया, बन गया है। चलो बिंदुवत बिंदुवत आवेश जो है पॉइंट चार्ज है, बिंदुवत आवेश Q के कारण r दूरी पर विभव का मान होता है। अरे महाराज बताइए, तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आ गया है कि एक बिंदुवत आवेश Q है यहां से r दूरी पर, यहां पर आपको विभव का मान पूछा है, भी का मान पूछा है। जल्दी से बताइए भी का मान क्या होगा, इसको तुम बता सकते हो, एकदम इसको जानते हो, घर पे पूरा मेहनत करो बउआ, छोड़ो नहीं, जो कॉपी में पढ़ाया था क्लासरूम में जो आपके टीचर पढ़ाते हैं उसको एकदम टोटल रिपीट करो, ज्यादा समय हम लोग को बचा हुआ नहीं है, और वहां अगर आप रिपीट कर लेते हो इस समय क्या दिक्कत है, नॉर्मल सा क्वेश्चन परिभाषा है, आप इसको आराम से बना सकते हो, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। एग्जाम में जब जाइएगा तो आपको इस न सोचे हैं, आपको लग रहा होगा बड़ी पहाड़ जैसा क्वेश्चन पूछता है, क्या ट्वेल्थ में आपको पहाड़ जैसा क्वेश्चन पूछेगा, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए जल्दी से, बिंदुवत आवेश Q के कारण, इस Q के कारण r दूरी पर भी का मान, कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है, आपका किसी का आंसर आ रहा है वो देखो, तो जिसका इसका बी आ रहा है सभी लोग सही हो, बी जिसका है सभी लोग सही हो, कुछ लोग कमेंट भी किया बी बी जो है आंसर उसको कमेंट किया हो। देखो क्या होता है सर, पहले तो होता है 1/4πε0, ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाय कितना दूरी पर है बउआ, तो सर आर दूरी पर है, तो नीचे केरा दे देंगे, तो आर को नीचे ला के पटक दीजिए, आर को नीचे करिए, भी बराबर 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर, आपका आंसर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर। बात क्लियर है सब लोगों को, यहां तक कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच, पांच नंबर क्वेश्चन पढ़ो, पांच नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, चलिए क्या लिखा है कवि ने, देखिए चलिए क्या लिखा गया पढ़िए, समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, ये तो पिछला क्लास में भी आपको है ना, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, अरे ये तो आपको पांचवा पाठ है ना बउआ, तेरा से पहले तो आपको 1, 2, 3, 4 चार पार्ट अपलोड किए हैं, चौथा वाला वीडियो में इसके बारे में डिटेल डिस्कस आपको किए थे, है ना, इसके बारे में आपको बताए थे, और अगर इसको नहीं देखे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जाइए बस इसे टैप कीजिए, और टैप करने के बाद आपको आ जाएगा, आराम से उसको देखो, एक एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते जाओ, है ना, एक एक क्वेश्चन को हम लोग कॉपी में नोट करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैट है, वैद्युत स्थैतिकी है, तब वैद्युत स्थैतिकी में हम लोग टोटल कर लिए हैं, एक और चैप्टर इसके अलावा, एक और चैप्टर आपको संधारित्र बच जाएगा, जब संधारित्र बच जाएगा तो फिर टोटल क्वेश्चन का एक मैराथन क्लास मैराथन क्लास चलाएंगे, 4 से 5 घंटा का एक मैराथन क्लास आपका रहेगा, उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव जितना भी इलेक्ट्रोस्टैट से आपको क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, चाहे आप ये कहिए कि जितना आपको है ना करवाए हैं क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन एक बार रहेगा, तो सबसे पहले टोटल क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट किए, ताकि मैराथन वाला में सबके नाम पढ़े में कोई दिक्कत ना रहे, फटाफट देखिए देखिए और आंसर करते चल जाइए, है ना। तो पांचवा पार्ट आपका है, इसमें 4 गो अपलोड कर दिए हैं, 4 गो में हम लोग लाइव आए थे, तो वो अगर आप नहीं देखें तो उसको आप आराम से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, मैराथन क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जल्द ही एक मैराथन क्लास आपका हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रोस्टैट का, वैद्युत स्थैतिकी का, ठीक है। चलिए वहां पर क्या करना, मैराथन में कुछ नहीं करना, पहला क्वेश्चन होगा जल्दी से आंसर बताइए, आप पढ़ ले रहिएगा, जल्दी से कहे सर बी आंसर होगा, सी आंसर होगा, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कहा गया यहाँ पर क्वेश्चन कि समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर है, ये तो बोला है कि समविभव तल जो है, समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान होता है, तो बताइए समविभव के मतलब क्या होता है, बता दीजिए, तो सम मतलब बराबर है, विभव मतलब बराबर है ना, विभव होता है, विभव का मतलब तो विभव होता है, सम मतलब बराबर है, यहाँ विभव दिया है, तो समविभव के है ना, समविभव तल के मतलब होता है कि एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर हो जाए, समान हो जाए, यही तो है पूछा है कि समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, था समान होगा, ऑप्शन पढ़ो, पहला कहा गया कि समान होता है, दूसरा में असमान होता है, कभी समान और कभी असमान होता है, और इनमें से कोई नहीं, तो बताइए अगर समविभव तल है तब प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा, समान रहेगा, तो आपका यहाँ पर क्या कौन सा आंसर आ जाएगा बउआ जी बताओ, विभव का मान अगर समान रहता है तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा,
जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, तो सर ए आंसर हो जाएगा, है ना। समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। आपका आंसर यहां पर ए आ जाएगा। क्लियर है? यहां पर आंसर आपका कौन सा रहेगा? तो यहां पर आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा इसमें डाटा आपको दिया, बहुत सारा डाटा इसमें आपको दिया गया है, और ये टोटल डाटा को आपको समझना भी है, याद भी कर लेना है। ये नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आप पूछेगा, इसमें से कोई काट छांट के भी आपको एक आध क्वेश्चन डाल सकता है काट छांट के। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो तो, है ना, कुछ लैंग्वेज लिखा गया है इसको पहले पढ़ लीजिए, क्या लैंग्वेज में दिया गया है, क्या लिखा है कभी नहीं, जरा देख लीजिए तो क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए। कहा गया है समविभव तल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, है ना, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव तल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है, कौन वाला करेक्ट है, किसके लिए है बुआ? तो कहा गया कि समविभव तल के लिए, ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कौन सही है, समविभव तल के लिए। पहला, बंद लूप का निर्माण करता है, पहला में कहा गया है कि जो समविभव तल रहेगा वो बंद लूप का निर्माण करेगा। दूसरा कहा गया है कि दो समविभव तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, कहा गया कि दो को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव तल है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तीसरा कहा गया कि समविभव तल एवं विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत होता है, ये कहा गया है। चलिए जल्दी से, अगर पिछला वाला वीडियो आप देखे होंगे ना, तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा निश्चित। और लास्ट में कहा गया कि लिखा है जो सबके सब सही है, लिखा गया चीज जो है सबके सब सही है। चलिए जल्दी से बताइए तो कौन सा आंसर इसका रहेगा, आंसर कमेंट करो बउआ, आंसर कमेंट करो। क्या इसका आंसर रहेगा समविभव तल के लिए कौन सही है? चलिए सभी जिसका आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, सभी इसका आंसर हो जाएगा बउआ। समविभव तल बंद लूप का निर्माण करता, ऑब्वियसली बंद लूप का निर्माण करता है ना, समविभव तल बंद लूप का निर्माण करता है बउआ। दूसरा यह ना, समविभव तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता, ये भी सही है ना। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर कट ईच अदर, बंद लूप का समविभव तल बंद लूप का निर्माण करेगा, ध्यान रखना सब। हाँ, ये विद्युत बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है, विद्युत बल रेखा जो होता है ना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वो कभी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता, बंद लूप का निर्माण नहीं करता, लेकिन समविभव तल आपका बंद लूप का निर्माण करेगा, समविभव तल प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अगर प्रतिच्छेद किया तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर विभव का दो दो पहलू हो जाता है, आपको पता है। और यहां देखिए, समविभव तल और विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत होता है, ये वाला चीज आपको पिछला वीडियो में नोट में इसको लिखवाए थे, नोट करके लिखवाए इसको कि इसको लिखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी क्या क्या इसका आंसर हुआ? तो सबसे पहला तो ये हो गया कि समविभव तल जो है बंद लूप का निर्माण करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, समविभव तल और विद्युतीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे पर लंबवत होता है। अगर इस समविभव तल है, विद्युतीय क्षेत्र बाहर की ओर है, इसे हुआ बाहर की ओर विद्युतीय क्षेत्र, तो ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत रहेगा, 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपका आंसर इसमें हो जाएगा सभी, आपका आंसर क्या रहेगा सभी। क्लियर है? वीडियो को लाइक करना है वो लाइक तो करो, ना शेयर नहीं करते एकदम ही सही बात नहीं है, शेयर करो सबसे पहले वीडियो को, ठीक है, शेयर करना है, तो वीडियो फिर इसको बताना बंद कर देंगे, इसी लेकर बैठे रहेंगे खड़े रहेंगे। ग्रुप में आपको जल्दी से इसको शेयर कर देना है। चलो कुछ टाइम दे रहे हैं बउआ, सबसे पहले शेयर करने के लिए टाइम दे रहे हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बताते हैं, जल्दी से जरा शेयर करो। तो जितना भी ग्रुप है सब पढ़ने वाला ग्रुप, फेसबुक है, सब क्या क्या रहता है, सब पर शेयर कर देना चाहिए, है ना। क्या करना, बस एक बार कॉपी लिंक करो, बस शेयर हो गया। व्हाट्सएप पर जितना ग्रुप में आप लोग हैं सब में शेयर का स्टेटस लगा देना है, ठीक है। इससे जो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी रहेगा ना, जिसको ट्वेल्थ के एग्जाम देना है, अब पढ़े वाला रहे चाहे ना, सबको पढ़ना पड़ेगा, चूंकि ज्यादा समय तो बचा हुआ है नहीं, तब पढ़े वाला रहे चाहे ना रहे उसके पास भेजो, चूंकि टाइम ज्यादा बचे ना, उसको मजबूरी पूर्वक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ, सब लोग शेयर कर दिया होगा इतना समय में, शेयर सब लोग कर दिए हो तो जो शेयर किया जाए इसको पढ़ेगा, पढ़ो जल्दी से, ना किया जाए जल्दी सबसे पहले शेयर करो। कहा गया है कि किसी आवेश को समविभव तल, कहा गया है कि किसी आवेश को समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक, है ना, कोई एक आवेश है बउआ, एक आवेश है, इसको समविभव तल के एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लेके जाना है। किसी आवेश को समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है,
बताइए जल्दी से, क्वेश्चन पीछे करवाए हैं। अगर कोई सम विभव तल है बुआ, सम विभव तल, और उसके एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक किसी आवेश को अगर लेके जाते हैं तो यहां कितना कार्य करना पड़ेगा जो आपसे पूछा गया है। पहला में कहा गया कि शून्य, मतलब कोई काम कर ही नहीं पड़ेगा। दूसरा कि धनात्मक काम होगा लेकिन प्लस में होगा। ऋणात्मक कहे का मतलब कम होगा लेकिन माइनस में कार्य होगा। और कुछ भी हो सकता है, है ना, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, इसमें से कोई एक आध आंसर हो सकता है। मतलब ये कोई एक आध ना कहे का मतलब ये कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जल्दी से बताइए, चूंकि क्वेश्चन आपको पीछे डिस्कस किए हैं, गलती नहीं करना है। अब क्वेश्चन में गलती नहीं करना, जल्दी ही आप लोगों को महामैराथन स्टार्ट होने वाला है जल्द ही, है ना, 2-3-4 दिन में आपको एक महामैराथन होगा, उसमें टोटल क्वेश्चन आ जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक से लेके 2009 से लेके या इधर 2022 तक में जितना क्वेश्चन पूछा गया सब के सब उसमें आ जाएगा। महामैराथन होगा, 4-5-6 घंटा का रहेगा, आराम से इंटरनेट डलवा लेना है और बस देखते रहना है वहाँ से, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, लेकिन पढ़िएगा ढंग से तब ना वहाँ पर आंसर दीजिएगा, वहाँ सबके नाम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है बउआ। तो चलो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आप लोगों का, क्वेश्चन ये वाला है बउआ यहाँ पर कि किसी आवेश को सम विभव तल के एक बिंदु से दूसरा बिंदु, देखिए अगर कोई आवेश को आप उठा के एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लेके जाइए तो आपको काम तो करना पड़ेगा बउआ, लेकिन यदि कोई सम विभव तल पे लेके जाओगे तो वहाँ पर कोई कार्य नहीं कर, है ना, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर एक मास्टर साहब फॉर्मूला बताए होंगे, क्यू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। अगर सम विभव तल है तो जितना विभव यहाँ पर, अगर यहाँ 10 वोल्ट मानते हैं तो यहाँ पर भी 10 ही वोल्ट होगा, क्यों, क्योंकि सम विभव तल है। तो यहाँ भी फाइनल का भी मान 10, अब ही इनिशियल का 10 और माइनस 10 दोनों का मान 10 है, तो 10 में से 10 घटा देंगे तो जीरो ना आ जाएगा, और जीरो में जैसे ही क्यू से आप गुना कीजिएगा तो फिर से आपका जीरो आ जाएगा। मतलब बाहर से कोई कार्य करे का आपको जरूरत नहीं है। अगर सम विभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश या इलेक्ट्रॉन को लेके जाते हैं तब बाहर से कोई कार्य करे का आपको कोई जरूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं वो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन मैं जान के दिए हैं, ये आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सब में आपको आया है, पांचवा में भी आपको आ गया, दूसरा में भी दिए थे, तीसरा में भी आया है, चौथा में भी आया है, पांचवा भी आया, छठा में अब नहीं आवेगा। अब एक बार देखने के लिए आपको मिलेगा कहाँ, ये दर्शन देगा आपको बुआ, तो सर महामैराथन हमला क्लस में आपको दर्शन देने वाला, एक बार जरूरी दर्शन देगा आपको वहां पर, ठीक है। चलिए, कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। पहला में कहा भी बराबर इंजीनियर, अब तो याद रहे करें कहा रे, कई बार मास्टर साहब बोले थे कि इंजीनियर इंजीनियर भी बराबर इंजीनियर, तो यहाँ भी बराबर ई इंटू आर। दूसरा बउआ यहाँ पर देखो थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर ई है बउआ, यहाँ पर आपको ई लिख देना है। सेकेंड में लिखा है ई बराबर माइनस डी भी बाई डी आर, डी आर है ना, आर के स्थान पर बता रहे थे कि एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कहा गया कि दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र आपको ये दिया है, विभव भी दिया है, दोनों के बीच आपको संबंध बताना है, रिलेशन बिटवीन बोथ दोनों का है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दोनों के बीच आपको रिलेशन चाहिए, दोनों के बीच क्या संबंध रहेगा जल्दी से आपको इसको बताना है। दोनों के बीच संबंध चाहिए बउआ, दोनों के बीच संबंध चाहिए, दोनों के बीच संबंध चाहिए, क्या रहेगा बउआ जल्दी से बताओ। चलो क्या रहेगा इसका संबंध जल्दी से बताइए। हाँ, यहाँ पर इसको सुधार लिए हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इसको सुधारे हैं, तो सुधारे हैं तो क्या यहाँ किए हैं ई। चलिए, यहाँ पर आपको एक बात ये कहे थे कि दोनों होता है, क्या बउआ, तो सबसे पहला तो भी बराबर इंजीनियर ही तो होबे करेगा, आ ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, यहाँ पर दोनों, मतलब आपका आंसर इसमें सी लिखना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, भी बराबर इंजीनियर, ये आपको बताया थे कि भी बराबर इंजीनियर होता है, अब फिर ई इंटू आर मतलब इंजीनियर, और यहाँ ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, आपको ये दोनों रहेगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बउआ, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा पढ़ो तो क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आठ के बाद आइए, क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, पढ़िए पहले जरा 9 नंबर क्वेश्चन को, 9 नंबर क्वेश्चन को जरा पढ़ो आराम से,
एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पढ़िए। इसके बारे में डिस्कस किए हैं पीछे बुआ, जल्दी से पढ़ो और जवाब दो इसका, जल्दी से पढ़िए और इसका जल्दी से जवाब दीजिए। क्या रहेगा, क्या कहा गया है आपको, जो पढ़ लीजिए। कहा गया है किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर वह कार्य करता है। एक चालक है वह, उसको बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र, इसमें किसी चालक को आप रख दिए, कोई भी एक चालक है, इसको आप ऐसे करके रख दिए कि लीजिए महाराज आप बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में पड़ल रहिए, बैठल रहिए, दे दिए चालक को। बाद में कहा गया कि अगर ऐसा कर देंगे तो चालक कैसा कार्य करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, समविभव तल के जैसा बिहेव करेगा। दूसरा कहा गया कि मीटर जैसा बिहेव करेगा, वोल्ट मीटर जैसा बिहेव करेगा, या विद्युत दर्शी जैसा बिहेव करेगा, कैसा कार्य करेगा, समविभव तल आपका कैसा कार्य करेगा जो बताना है। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हैं तो वह कैसा कार्य करता है, समविभव तल जैसा, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में इसको रखे हैं, समविभव तल जैसा, एमीटर जैसा, वोल्ट मीटर जैसा, विद्युत दर्शी जैसा। तो यहां आपको बोलूंगा जिसका जिसका भी समविभव तल आंसर आ रहा, सभी लोग सही हो, आंसर इसका हो जाएगा समविभव तल, आपका आंसर यहां पर ए हो जाएगा। आंसर कौन सा रहेगा बोलूंगा, ए। यदि किसी भी चालक को आप बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखते हो, ध्यान रखना, किसी भी चालक को यदि आप बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हो या उस पर आवेश दे देते हैं, कोई चालक है, यहाँ पर एक चालक है, चालक पर हम लोग कुछ ऐसे करके आवेश दे देंगे, लीजिए महाराज ये वाला आपका आवेश हो गया, तो ये पूरा सिस्टम आपका समविभव तल हो जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाता है। पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये ठीक है, सबको याद रहेगा बउआ। किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर कैसा कार्य करता है, तो समविभव तल जैसा सर जी, तो समविभव तल आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन एकदम जानल पहचानल लग रहा है बुआ, देख लीजिए एकदम जानल पहचान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देना है, इसका आंसर क्या रहेगा, जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा है, जाना पहचाना सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या रहेगा। कहा गया है आर दूरी से बिलग, मतलब अलग, आर दूरी से अलग है, बिलग मतलब अलग हो गया, नहीं आर दूरी से बिलग मतलब है ना, उसको क्या हो गया है, सेपरेशन हो गया है ना, जिसको कहते हैं आज के भाषा में ब्रेकअप, जिसको ब्रेकअप कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया है। तो देखिए दोनों आर दूरी से बिलग है, कौन कौन बिलग है वो, कौन कौन अलग है, तो दो आवेश क्यू वन और क्यू टू लीजिए, एगो इन्ने मुंह फुला के बैठे, एगो इन्ने मुंह फुला के बैठे, कितना दूरी पर है, तो आर दूरी पर, पहला के घर वह इन्ने, दूसरा घर वह इन्ने है। का स्थितिज ऊर्जा होगा, कहा गया है कि अगर दो को आवेश है, क्यू वन है, एक क्यू टू है, दोनों के बीच की दूरी आर है, तो सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा कितना रहेगा, स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, ये आपको बतानी है, ठीक है। चलिए आपको ऑप्शन दिया गया 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, पहला ऑप्शन यहाँ दिया है। दूसरा कहा गया कि 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर होना चाहिए, क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए बउआ, आर होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन दिया है। थर्ड में कहा 1/4πε0 क्यू वन डिवाइडेड बाई आर, यहाँ देख लो क्यू वन डिवाइडेड बाई आर है। आपको चौथा में कहा गया कि क्यू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर है ना, 1/4πε0 वाला कहानी दिया है, क्यू टू डिवाइडेड बाई आर है। तो चलिए जल्दी से बताइए, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है बुआ, बेसिक क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइम मत लो, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला। चलिए बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा, आर दूरी पर अलग दो गो आवेश है, दोनों के ब्रेकअप हो गया, आर दूरी पर इसे ला के रख दिए हैं, तो स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगा, बोलो यू बराबर आपका जिसका इसका भी आंसर बी है, सभी लोग सही हो, बी आंसर सभी लोग सही हो, 1/4πε0 क्यू वन है क्यू टू है डिवाइडेड बाई आर है, क्यू वन है क्यू टू है डिवाइडेड बाई आर है, क्यू वन है क्यू टू है डिवाइडेड बाई आर, 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर, सिंपल तो है, क्लियर है। चलिए पहले आप लोग पढ़े होंगे, तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बोगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा पढ़ो, तो विभवांतर का ये सही मात्र 10 क्लास वाला क्वेश्चन लीजिए आ गया है, लीजिए एकदम आसान आसान खोज रहे थे, पूछल क्वेश्चन है ही नहीं कि इसे शौक कर रहा था कि 10 क्लास वाले क्वेश्चन मार देते हैं लिखवन के, ना कि खुश रहे, ऐसा कोई बात नहीं है, आपके खुशी के लिए नहीं दिए हैं, क्वेश्चन पूछा गया इस कारण से दिया, जानना भी आपको चाहिए। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है, ओम होता है, कूलम होता है, जल्दी से बताइए क्या रहता है, जल्दी से कमेंट तो बढ़िया छा रहा है बुआ, चलो जल्दी से बताओ है ना, वोल्ट है, वाट है, ओम है, कुलम्ब है, वोल्ट है, वाट है, ओम है, कुलम्ब है, बताइए जल्दी से, शेयर करो बुआ, शेयर करो, इसको शेयर तो करना ही है, वोल्ट, वोल्ट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ए होगा, नहीं चलिए जल्दी से इसको हो गया है ए,
विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। विद्युत विभव कौन सी राशि है? चलिए कैसे बनी, चलिए जल्दी से बताइए इसका, इसका आंसर बताइए। विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है जल्दी से बताना। सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, जल्दी से बता बउआ। विभव अदिश राशि होता है, विभव कौन सी राशि है बउआ? अदिश राशि है, सदिश नहीं है। विभव अदिश राशि रहेगा, विभव आपका अदिश राशि रहेगा। ठीक है, विभव कौन सी राशि होता है? अदिश राशि, आप तो 10वीं क्लास में पढ़ा है। विभव अदिश राशि है, ध्यान रहेगा, विभव अदिश राशि होता है। देख तो जब विभव का फॉर्मूला लिखा जाता है कि वी बराबर को वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाय आर, जब मास्टर साहब ऐसे पढ़ाए हैं, अब बाद में कहते थे कि यूज विथ प्रॉपर साइन, उचित चिन्ह के साथ लिखे, क्यों? क्योंकि अदिश राशि है ना। पढ़ा होगा कि वी बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर, बाद में कहते हैं कि देखो बउआ यहाँ अगर q प्लस में है तो प्लस में लिखो, माइनस में है तो माइनस में लिखो, उचित चिन्ह के साथ लिखना है, इसीलिए कहा है कि अदिश राशि होता है ना। विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि आपका है, उसमें भी आपको उचित चिन्ह के साथ ही लिखना है। तब विभव आपका होता है कौन सी राशि? अदिश राशि, ध्यान रहेगा। चलिए 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए क्या है बउआ 13 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो। कहाँ चल गया हो? हाँ यह है, लीजिए ये बताए हैं, अभी बताए थे, अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, बोल रहे थे कि देखो ये क्वेश्चन में एक बार और आवेगा, उसमें भी बोले थे आपको कि थोड़ा सा उलट के अभी आवेगा। देखिए उसमें क्वेश्चन आपको ये कहा था, समझिए उसमें क्वेश्चन आपको ये कहा था कि एक जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, एक जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, एक जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, ये कहा गया था। तो वहां पर आंसर आया था कोची बउआ कि बोल्ट होता है सर जी, क्या होता है? बोल्ट रहता है। थोड़ा सा ध्यान दो, इस बार क्या दिया है कि बोल्ट किसके बराबर होता है, ये कहा है। तो एक बात बताइए ना, भी बराबर क्या जानते हैं? तो सर डब्ल्यू बाई क्यू जानते हैं, भी बराबर क्या जानते हैं? डब्ल्यू बाई क्यू। तो एक बात बताइए, यहां से W मतलब कार्य, कार्य का जूल, और यहां जो आवेश है आवेश का कूलम, तो जूल प्रति कूलम भी कहे के मतलब बोल्ट, विभव है, विभव का ऐसा मात्रक बोल्ट ही तो होता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक बोल्ट रहेगा। तो एक बात बताओ, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? बोल्ट के बराबर, या एक कह सकते हैं कि बोल्टवा जो ही है बउआ, ये बोल्टवा केकर बराबर है, तो जूल प्रति कूलम के बराबर है। यहां बताइए एक बोल्ट किसके बराबर रहेगा? तो जूल प्रति कूलम के बराबर रहेगा। एक बोल्ट किसके बराबर होगा? जूल प्रति कूलम, है ना, जूल प्रति कूलम बोल्ट के बराबर होता है, इसका मतलब बोल्ट किसके बराबर है? जूल प्रति कूलम के बराबर है, नॉर्मल सी बात है। क्लियर हो गया, तो आपका आंसर इसमें ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से जरा इसका जवाब दो। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डायपोल लीजिए, वेक्टर बोल दिए हैं, तेरा के लीजिए तब बता दीजिए अब क्या करें। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? चलिए जल्दी से बताइए, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? पहला में कहा गया है कि सदिश राशि है, दूसरा में अदिश लिखा गया है, अदिश छूट गया है, अदिश राशि है, तीसरा में दोनों है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है बउआ? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? चलिए सदिश राशि है बउआ, बिल्कुल सही है। सदिश सब क्या आया है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, P बराबर क्यू इंटू एल, P बराबर क्यू इंटू एल, अब वेक्टर में लिखेंगे तब P वेक्टर बराबर क्यू इंटू एल वेक्टर, याद होगा आपको, बताया है पीछे P बराबर क्यू इंटू एल, P बराबर क्यू इंटू एल बउआ, P बराबर क्यू इंटू एल, यही ना, P बराबर क्या, क्यू इंटू एल। तो ये आपको कौन सी राशि है? P वेक्टर अगर लिखते हैं तो क्यू इंटू एल वेक्टर लिखते हैं, सदिश राशि आपका हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़ो, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या आपसे कहा गया है, 15 नंबर क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए।
बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट वाला में से है बउआ। आज आपको इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन पीछे बताए थे क्या सर? तो ई बताए थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है सर, ध्यान रखिएगा। इस सबसे इंपॉर्टेंट वाला में से था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। एक और क्वेश्चन बनता है मॉडर्न फिजिक्स में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से संबंधित, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, चूंकि ऊर्जा है, ऊर्जा ऊर्जा का मात्रक, इस बार जूल लिखेंगे। हम केवल इलेक्ट्रॉन पे आवेश नहीं लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे आपको आवेश नहीं यहां लिख रहे हैं बउआ, यहां हम ये लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट केकर मात्रक है बउआ। तो कह देंगे सीधे तौर पे ऊर्जा का मात्रक होता है। एकदम महत्वपूर्ण वाला में से, एकदम पूरी तरह से महत्वपूर्ण आपके लिए है, एकदम चाशनी में डुबल है, एकदम जाइए एग्जाम में निकाल के खा जाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का होता है। क्लियर। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, कभी कभी पूछ देता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, लेकिन उसका मात्रक वहां कूलम था, यहां आपका जूल होता है ना। आवेश का मात्रा कूलम था, अगर इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछता है तो उतना कूलम बोलेंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम बोलेंगे। लेकिन यहां कहा गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, −19 जूल। एक के वैल्यू का ही नहीं हो सकता सर, दोनों का एक वैल्यू क्यों है ये आगे के बाद आपको समझ में आया, लेकिन आप का ही नहीं हो सकता है। ये थोड़े है कि मान लीजिए कि कोई है ना, हमारे बेटा है हुआ, उसका एज 15 साल है, मान लीजिए 15 साल है, ठीक है, तब कोई और का दोसर के बेटा की उम्र 15 साल हो ही नहीं सकता है। हाँ, अपन बेटवा के नाम कुछ और रख दिया, श्याम नाम रखे हैं, तब कोई दूसरा अपन बेटवा के नाम श्याम नहीं रख सकता, रख सकता है, एक ही चीज मैचिंग मैचिंग तो हो ही सकता है ना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ है ना कूलम्ब होता है, माइनस में इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल रहेगा। क्लियर हो गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में इस सब चीज आपको जानकारी रखना, दो चीजें, केवल दो चीजें बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है और इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है। क्लियर है, एक बड़ी महत्वपूर्ण वाला में से हम समझाना ही चाह रहे हैं कि अगर आज के वीडियो का दो या तीन को महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से कहेगा तो एगो तो ई था, यहां पर एगो ई आपको पूरा महापुरुष, और दूसरा बहुआ आपके लिए एक एक क्वेश्चन उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो जल्दी से आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से जरा क्वेश्चन पढ़िए तो क्या इसका जवाब रहेगा बउआ, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो। किसी चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, हाँ चलिए, किसी चालक के सतह पर, लता पिछले वीडियो में भी आया था क्वेश्चन बउआ, चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र का विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता आपको बताना है, चालक के सतह पर। देखिए एक बात बताया था आप लोगों को पहले भी कि चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता कितना होता है, जीरो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र लंबवत होता है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन आज यहां पर ई आ गया है कि चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र, अरे अंदर ना जीरो है, चालक के अंदर ना जीरो होता है विद्युतीय क्षेत्र, चालक के सतह पर तो जीरो नहीं होता है ना। तो चालक के सतह अगर यहां निकालेंगे तो जीरो, यहां जीरो, लेकिन जैसे यहां निकालिएगा सतह पर निकालिएगा तो σ/ε0 कितना बउआ, σ/ε0, ध्यान रखना है। अगर सतह पर पूछा जाए तो σ/ε0 आपका आंसर भी हो जाएगा, सतह पर कहा जाए तो σ/ε0 σ/ε0 σ/ε0, यहां आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन के आधार पर आपके यहां पर आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है, तो चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता σ/ε0, सभी लिख लेना, चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र जीरो, कहो सर के बार लिखे, तुम 100 बार लिखो, अगर 100 बार क्वेश्चन हम देते हैं तो तुम 100 बार उसको लिखो, ठीक है ना। तो चलिए यहां आपको एस ए है कि चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र जीरो है, चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र लंबत होता है, ये ध्यान रखना है, और चालक के अंदर जीरो ना है, चालक के सतह पर तो जीरो हम नहीं कह रहे ना, चालक के सतह पर जो विद्युतीय क्षेत्र रहेगा इस σ/ε0 रहेगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता बताइए, तो विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता σ/ε0 होता है। बात क्लियर हो गया है बउआ, यहां तक कंप्लीट है, यहां तक। यहां जो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युतीय विभव, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बउआ, यहां पर विभव के बारे में पढ़ रहे थे, विभव, या जो विभव हम लोग पढ़ रहे हैं विभव और स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज
स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे, विभव और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे चैप्टर में हम लोग। पहला कूलम्ब के नियम, आवेश और कूलम्ब के नियम, उसके बारे में टोटल डिटेल में हम लोग जितना हो सकता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस कर दिए हैं। वो अलग है कि फर्स्ट पार्ट वाला में हम सामने नहीं आए थे, पहला बार जो पार्ट डिस्कस किए थे लाइव थे लेकिन हम सामने नहीं थे, केवल बोर्ड वहां पर था। सेकेंड वाला पार्ट एक बताएं, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये पांचवा यहां पर आपको हो गया है। पांच पार्ट आपका पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, केवल इसमें एक पार्ट आपको और बच गया है। तो एक पार्ट में केवल धारिता आपको बचा हुआ है बउआ, केवल आपको एक धारिता बचा हुआ है ना, कैपेसिटर कैपेसिटर आपका बचा हुआ है। इसको एक और है ना, एक वीडियो में या दो वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, टोटल हम डिटेल में इसको देखेंगे क्योंकि लंबा चौड़ा चैप्टर है। तो डिटेल में बाउंड्री ग्राफ जनरेटर सब इसी में आता है, तो काफ़ी डिटेल में इसको हम लोग देख लेंगे। इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करेंगे, और करेंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करने से पहले और इसको खत्म करने के बाद बीच में हम लोग एक काम करने वाले हैं, एक महामैराथन आवेगा, महामैराथन आने वाला है, ठीक है ना। इस महामैराथन में इलेक्ट्रोस्टैट में जो 6 चैप्टर में आपको करवाए हैं वो टोटल इसमें क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ये हो सकता है कि 2 घंटा का क्लास रहे, 3 घंटा का क्लास रहे, 4 घंटा का क्लास रहे, 5 घंटा का क्लास रहे, एकदम फ्री होके बगल में चाय रख देना गर्म करके, अब बस एक घोंट पीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एक घोंट पीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। तो हम लोग जल्द ही एक महामैराथन की ओर बढ़ रहे हैं, तो जल्द ही आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो आपका एंड हो गया है, खत्म हो गया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो निश्चित कर देना बुआ, है ना, दोस्तों के साथ शेयर करो, पढ़ाने में मजा आएगा उससे, ठीक है। चलिए था, और हम लोग मैथ भी आगे हम लोग है ना स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ और केमिस्ट्री भी आपको स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं, गुड नाइट सबको बुआ।